आपका YouTube चैनल कॉन्सेप्ट साइंस क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आचार्य सी के आनंद फिर से आज नए विषय के साथ आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ, यानी कि हिस्ट्री के यानी कि इतिहास के बाबू चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद। देखिए जो भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न है आप लोग का 4, यानी कि पहला है राष्ट्रवाद, दूसरा है मेजनी कौन था, तीसरा है जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी, और 4 नंबर है आपका मेटर्निक युग क्या है। यानी कि चारों प्रश्नों को हम लोग बारी बारी से क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। यानी कि राष्ट्रवाद कहता है किसी विशेष भौगोलिक सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के में उत्पन्न होने वाली राजनीतिक भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद के मतलब होता है बाबू, मतलब राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो लोगों के बीच एकता का भाव को क्या करता है, वाहन करता है। यानी कि यूरोप का राष्ट्रवाद, यानी कि राष्ट्रवाद के मतलब होता है एकता। यानी कि यहाँ पर देखो डिफिनेशन लिखवाया है किसी विशेष भौगोलिक सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में, किसी विशेष भौगोलिक सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले जो भी लोग हैं उनमें उत्पन्न होने वाली राजनीतिक जो भावना है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, राष्ट्रवाद बोलेंगे, कोई दिक्कत। उसके बाद आता है मेजनी कौन था। तो मेजनी देखो, मेजनी एक प्रकार का सेनापति था। मेजनी कौन था, एक योग सेनापति कह सकते हैं, मेजनी एक सेनापति था। उसके बाद इसके साथ साथ यह साहित्यकार और गणतांत्रिक विचार का समर्थक था। यानी कि दो दो नंबर का पूछता है बाबू, लंबा लंबा डिफिनेशन नहीं लिखना है आप लोग को, कम से कम 10 से 15 शब्दों में आप लोग को लिख देना है, आप लोग को 2 नंबर मिल जाएगा। यानी कि कहता है मेजनी कौन था, तो मेजनी एक प्रकार का योग सेनापति था। इसके साथ साथ योग सेनापति होने के साथ साथ यह साहित्यकार भी था, मतलब जो लेखन करते हैं, एवं गणतांत्रिक विचार का भी समर्थक था। मेजनी एक योग सेनापति था, योग सेनापति होने के साथ साथ यानी कि यह साहित्यकार एवं गणतांत्रिक विचार का था समर्थक था। फिर से बता दे आप लोगों को कि मेजनी एक प्रकार का योग सेनापति था, इसके साथ साथ वह साहित्यकार भी था और गणतांत्रिक विचार का भी क्या था, समर्थक था, कोई दिक्कत। उसके बाद जर्मनी के एकीकरण की बधाई का थी। यानी कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि एकीकरण के मतलब क्या होता है, बटना, नहीं, एकीकरण के मतलब होता है मिलाना, यानी कि एकजुट करना। यानी कि जर्मनी के जब एकीकरण हो रहा था, जब मिलाप हो रहा था बाबू, तो उस समय उनकी बधाई क्या थी, तो जर्मनी के एकीकरण की बधाई निम्न है। मतलब जर्मनी के एकीकरण के बाधा में पहला बाधा था लगभग 300 छोटे बड़े राज। अगर देखो मान लीजिए कि अगर ये राज्य है, मान लो ये 300 छोटे बड़े राज्य है, मान लो ये बहुत सारे राज्य है, यानी कि बहुत सारे धर्म जाति के लोग यहाँ पर रहते हैं। की कहता है कि नहीं हम एकीकरण नहीं करेंगे, हम आपके साथ नहीं मिलेंगे। वो कहता है कि हम मिलेंगे, वो कहता है कि नहीं मिलेंगे। उसी समय आपका एक चांसलर था, ऑस्ट्रिया का चांसलर, जिसका नाम था मेटर्निक, जो भी बाबू जर्मनी के एकीकरण मतलब करने के लिए जो भी प्रयास हो रहा था उस सारे प्रयासों को क्या करता था, दबा देता था। फिर से सुन लो, यानी कि जर्मनी के एकीकरण के बधाई निम्न था, उसमें 300 छोटे बड़े राज का थे, 300 छोटे बड़े राज थे, इसलिए उसका जर्मनी का एकीकरण करना संभव नहीं था। दूसरा था ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप। ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप में हम आप लोगों को बताए कि उस समय ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटर्निक था, और जो भी मेटर्निक था और एक जर्मनी के एकीकरण करने के लिए जो भी प्रयास किया जा रहा था उस हर प्रयास को मतलब मेटर्निक क्या करता था, दबा देता था। इसी कारण जर्मनी की एकीकरण नहीं हो पा रहा था। उसके बाद इन राज्यों में राजनीतिक सामाजिक तथा आर्थिक विषमताएं थी। यानी कि जर्मनी के एकीकरण में हमने के राजनीतिक विरोध रहे, यानी कि राजनीति जैसे हिंदू मुस्लिम और हर एक चीजों पर राजनीति होता है, उसी तरह से राजनीति भी था और तथा सामाजिक आर्थिक विषमताएं भी थी। किसके लिए, जर्मनी के एकीकरण की क्या थी बाबू, बाधा थी। उसके बाद आता है आपका मेटर्निक युग क्या है। मेटर्निक जो था ऑस्ट्रिया के चांसलर के रूप में, फिर से सुन लो, मेटर्निक जो था
ऑस्ट्रिया के चांसलर के रूप में 1815 ईस्वी में क्या किया नियुक्त हुआ, यानी कि ऑस्ट्रिया के चांसलर 1815 ईस्वी में बना और उन्होंने 1848 ईस्वी तक क्या किया शासन किया। और अपने शासन काल के दौरान यानी कि मान लो यहाँ पर आपका नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी जैसे मान लो कि 2014 में आपका प्रधानमंत्री बने और आने वाले समय 2024 तक मान लो कि प्रधानमंत्री रहते हैं और अपने शासन काल के दौरान बहुत सारे ऐसे ऐसे काम कर देते हैं, तो मान लो कि 10 साल में बहुत ऐसा काम किया, तो इस शासन काल को यानी कि 10 साल के अवधि को हम लोग मोदी युग बोलेंगे। उसी तरह से बाबू जो मेटर्निक युग था, मेटर्निक ऑस्ट्रिया के चांसलर के रूप में इन्होंने 1815 ईस्वी में मतलब ऑस्ट्रिया का चांसलर बना और 1848 ईस्वी तक शासन किया और अपने शासन काल के दौरान उन्होंने ऑस्ट्रिया के जनता को या ऑस्ट्रिया में बहुत सारे महत्वपूर्ण काम किए। इसी काल अवधि को हम लोग मेटर्निक युग कहते हैं। कोई दिक्कत? देखो फिर से हम लोग समझ ले, राष्ट्रवाद जो होता है, राष्ट्रवाद के मतलब होता है लोगों के बीच एकता का भाव का क्या करना, वाहन करना, यानी कि राष्ट्रवाद के मतलब होता है एकता। उसके बाद देखो लिखा डिफिनेशन, किसी विशेष भौगोलिक सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के में उत्पन्न होने वाली राजनीतिक भावना ही राष्ट्रवाद कहलाती है। उसके बाद मेजनी एक प्रकार का योग सेनापति था, इसके साथ साथ साहित्यकार भी था तथा गणतांत्रिक विचार का भी क्या था समर्थक था। उसके बाद हम लिखा जर्मनी के एकीकरण के बाद, जर्मनी के एकीकरण के भाई निम्न बाधावा, लगभग 300 छोटे बड़े क्या थे राज थे, ऑस्ट्रिया के क्या था हस्तक्षेप, और इन राज्यों में यानी कि राजनीतिक सामाजिक तथा आर्थिक विषमताएं भी थी। उसके बाद हम लोग आप लोग को मेटर्निक युग बता दे, मेटर्निक युग हम बताए कि ऑस्ट्रिया के चांसलर के रूप में मेटर्निक जो था 1815 ईस्वी बना और 1848 ईस्वी तक शासन किया और अपने शासन काल के दौरान यानी कि ऑस्ट्रिया में बहुत सारे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसी को हम लोग मेटर्निक युग कहते हैं बाबू। और देखो ये हम लोग का अति लघु उत्तरीय प्रश्न था, फिर से हम अगले वीडियो में आप लोग के लिए लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आएंगे। इसी के साथ बाबू हम कहेंगे कि थोड़ा सा आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को क्या कीजिए सब्सक्राइब कीजिए। और इसी के साथ धन्यवाद।